हाय गाइस, सो दिस इज़ योर बॉय बिन्यामिन अशरफ। तो यार, थंबनेल में आपने बहुत सही पढ़ा है। ऑसवाल के फ्री कंटेंट कैसे एक्सेस कर पाएंगे आप, ये मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पर। आप इसको फॉलो करके ऑसवाल के वैल्यूएबल कंटेंट, ये बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस। चूँकि ऑसवाल एक, आप भी जानते हैं, ऑसवाल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। यार, बोर्ड का हर स्टूडेंट ऑसवाल कंटेंट पढ़ता ही पढ़ता है। लास्ट टाइम पे आप भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो हमें देख रहे हैं, लास्ट टाइम पे आप ऑसवाल के टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे ही करोगे। बहुत लोग फॉलो करते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करते हैं। तो यार, थोड़ा सा मार्केट में इसको अवेल करना है थोड़ा इम्पॉसिबल सा, पुअर बच्चों के लिए हो जाता है। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है बहुत सारे कंटेंट, बट एक्सेस कैसे करना है ये प्रॉब्लम आती है भाई। तो एक्सेस करने के लिए मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कम्प्लीट प्रोसीजर अपने स्क्रीन पर करके। आप इसको फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्टेंट को फॉलो कर पाएंगे। ओके, तो चलो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। पहले गाइस, हमें जाना पड़ेगा ब्राउज़र पे। आप अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम पे जाएंगे आप। मैं बिंग यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, तो हम माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे हम। और इसके बाद हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर ऑसवाल बुक। आपको सिंपली टाइप करना है ऑसवाल बुक, ऑसवाल बुक आपको सिंपली टाइप कर देना है सर्च बार में। टाइप करने के बाद ये जो आपके सामने इंटरफेस खुल करके आएगा, इसमें आप इस पे चले जाएंगे। सेकंड वाले इंटरफेस देख रहे हो, ऑसवाल CBSE NCERT IAS ICSE बुक्स, तो इस सेकंड वाले इंटर लिंक पे आपको चले जाना है। ये देखो, मैंने क्लिक कर दिया। इस लिंक पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। इस पे पेरेंट्स स्टूडेंट्स है, टीचर प्रिंसिपल, बुक सेलर फ्रेंचाइजी है। तो यार, इसमें प्रॉब्लम एक ये आएगा कि आपका अकाउंट अगर नहीं बना हुआ है तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हालांकि हमने अकाउंट अपना बना रखा है पहले से, आपको क्रिएट करना है इस पे जा करके, माई अकाउंट पे जा करके। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर ईमेल डालोगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। चलो मैं अपना दिखाता हूँ। अकाउंट क्लियर होने के बाद आप जाएंगे स्टूडेंट पेरेंट्स वाले पे। ओके, इस टैब पे आप आएंगे। इस टैब पे आने के बाद आपके पास ये देखो खुल करके एक आएगा। इस कॉलम में आपको देखो यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको चले जाना है। इस पे जाने के बाद देखो इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ गया, और यहाँ पे वेरियस ऑप्शन आपके पास आ गए। ओलंपियाड बुक्स है, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कर्नाटका PUC है, ISSE बोर्ड। हमने CBSE का यहाँ पे बनाना है हमें, तो CBSE पे आप जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साइड के CBSE के होते हैं। और आप चाहें तो ICSE बोर्ड का भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे जा करके। कुछ नहीं, कंप्लीट प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे इस टैब पे जाना होगा। कर्नाटका SSLC पे जाना होगा। नीट IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो यहाँ जाओगे नीट IIT पे, बट मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट CBSE वाला। तो देखो, CBSE पे जाने के बाद यहाँ पे क्लास आपको चूज़ करना है। क्लास 10th, क्लास 9th सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पे क्लास 10th को मैं दिखाता हूँ करके। क्लास 10th पे आप जाएंगे। क्लास 10th पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ गया। अब आपको करना ये है कि आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सुनना यहाँ पे अच्छे से, बट मैं बताऊँगा अभी आपको किस तरीके से कैसे कैसे आप मटेरियल को एक्सेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे माइंड मैप लिख करके आ रहा है। हर चैप्टर का एक माइंड मैप इन्होंने बना रखा है। वो एक पेज का होता है, मैक्सिमम एक दो पेज का होता है। वो आपने ज़रूर देख लेना है। वो माइंड मैप क्या है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया आपको माइंड मैप कैसे एक्सेस करते हैं। तो यार देखो, जैसे कि माइंड मैप इन्होंने दे रखा है हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का मान लो आपने माइंड मैप देखना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पर। उसके बाद आपने क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको मेल वेरीफाई करवाना होगा इन्हें। तो यार यहाँ पे मेल वेरीफाई आप करवा देंगे। मेल वेरीफाई करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, आप कंटिन्यू करेंगे। आपके पास पासवर्ड डाल सकते हैं आप, वरना आप चाहें तो OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। यार मैं OTP के थ्रू करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, OTP आपके फ़ोन पे, आपके फ़ोन पे OTP आने के बाद उस OTP को आप यहाँ पे डाल देंगे। हमारे पास OTP आ चुका है, हम आपको डाल कर दिखाते हैं। तो ये OTP मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको स्टार्ट शॉपिंग मैंने कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये जो है माइंड मैप खुल करके आ जाएगा।
देखो गाइस, यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम वेरीफाई नहीं था, इस टाइम पे खुल जाएगा, जो कि मैंने वेरीफाई कर दिया है। ये माइंड मैप देखो इस तरीके का आपके पास खुल करके आ गया। हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, बट ये ओपन हो रहा है। तो यार देखो, इस टाइप का इंटरफेस मैं दिखाऊंगा आपको। चलो और भी कंटेंट पे बात करते हैं, ये जब तक ओपन हो रहा है। उस तरीके से देखो, ये माइंड मैप हो गया हमारा, सेल्फ असेसमेंट पेपर है जो कि आप कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखो जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, माइंड मैप आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। माइंड मैप के बाद आप जाओगे, ये बोर्ड सिलेबस है। बोर्ड, अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो बोर्ड सिलेबस यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का यहाँ पे है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, सब है। बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट शीट भी यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है, यहाँ पे आप एक्सेस कर पाएंगे इसको भी। उसके बाद प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है, प्रोजेक्ट आप बनाना चाहें तो बना सकते हो। इंटरनल असेसमेंट है CBSE सैम्पल को, हाँ ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भाई, CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो CBSE अपलोड करता है। CBSE के सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि CBSE हर साल अपडेट करता है। तो अगला जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो बहुत मोस्ट प्रोबेबली कि ये सवाल आपका कुछ टैली कर सकता है यहाँ से। उसके बाद ऑल इन वन सैम्पल पेपर है। ऑल इन वन सैम्पल पेपर मीन्स हो गया आपका, जैसे आप साइंस की एक्सेस करेंगे तो ये आपका सैम्पल पेपर है, 2021 वाला सैम्पल पेपर है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये बोर्ड का सिलेबस तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद देखो यार, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जब इसको ओपन करोगे तो सब आप देख लोगे एक बार। टॉपर्स के आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो टॉपर्स के आंसर ये हैं कि जब आप वहाँ पे आपको क्या, किस मेथड में आपको आंसर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो बड़ा मैटर करता है। आप अगर अच्छे मेथड पे लिखोगे, मेथड कहाँ से आप देखोगे, टॉपर्स के आंसर, जो जिन्होंने, जिन बच्चे ने स्कोर कर रखा है, 100 100 स्कोर करा है इन्होंने, तो इनका पेपर आप जब एक्सेस करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके का आप जो है एक्सेस कर पाएँ, किस तरीके से आप लिख पाएँ, किस तरीके का आपका मेथड होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर करने का। उसके बाद CBSE का सॉल्व पेपर एग्जाम, प्रीवियस एग्जामिनेशन का सॉल्व पेपर इन्होंने डाल रखा है। प्रीवियस 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका भी इन्होंने आंसर डाल रखा है सॉल्व पेपर, तो यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। आपको साइंस का करना है, साइंस का यहाँ से करेंगे, हिंदी का यहाँ से करेंगे, मैथमेटिक्स बेसिक स्टैंडर्ड का यहाँ से करेंगे। तो इस तरीके से आप टाइप, मैं बता रहा हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या। देखो यहाँ पर टॉपर्स के आंसर 2015 वाला भी है, जो हमारा 15 का भी है, 16 का भी है, मतलब इन्होंने 2015 से सब डाल रखा है, 15 16 18, देखो 17 का भी है, 20 तक इन्होंने डाल रखा है, 21 तो आप देंगे ही एग्ज़ाम, 19 का भी है। रिवीजन नोट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी चैप्टर को कंप्लीट पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन कर पाएँ आप। रिवीजन नोट्स में क्या है कि इन्होंने एक रिवीजन नोट्स बनाया है छोटा सा, ये अपने नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कंसिडर करना है। जब आप अपना नोट्स कंप्लीट पढ़ चुके होंगे तो आपको रिवीजन नोट्स यहाँ से पढ़ लेना है गाइस, ओके। उसके बाद आप पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। फ्लो चार्ट आप जरूर देख लें, फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। फ्लो चार्ट भी मैं दिखाऊंगा आपको, फ्लो चार्ट किस तरीके का यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा है आपको। माइंड मैप तो मैंने बता ही दिया, माइंड मैप दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, दिखाऊंगा भी आपको। बस इतना चीज़ आपको एक्सेस कर लेना है। अब देखो यार, जो माइंड मैप आपका होगा वो किस तरीके का होगा ये भी देख लो। अब माइंड मैप देखो मैंने यहाँ पे खोल दिया है। उसके बाद देखो मैथमेटिक्स के माइंड मैप है, जैसे आपने पढ़ रखा चैप्टर, एक चैप्टर का एग्जांपल ले लें, चलो रियल नंबर आपने मान लो पढ़ रखा है, तो रियल नंबर यार आपने पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना होता है। तो रियल नंबर रिवीजन करने के लिए एक माइंड मैप इन्होंने दे रखा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको रियल नंबर के बहुत सारे एल्गोरिदम थे, बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, यहाँ पे आपको एक रिवीजन मिल जाएगा, कोई रिवीजन टाइप है ये भी, कोई रिवीजन मिल जाएगा आपको करने को। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि आप एक नज़र पढ़ करके अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ये हो गया माइंड मैप आपका। तो माइंड मैप आप पूरा पढ़ना है आपको। माइंड मैप पढ़ने के बाद मैं फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूँ। फ्लो चार्ट जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे मान लो एसिड बेस एंड सॉल्ट का फ्लो चार्ट है ये, है फ्लो चार्ट में किस तरीके का एक फ्लो दिया हुआ होता है, किस तरीके से इन्होंने, आपने इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या डेफिनेशन थे, किसके किसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने पढ़ लिया, इसमें सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप एक बार क्विक रिवीजन यहाँ से भी देंगे,
ये देखो यार, इसमें तुम्हारा बेस स्ट्रांग करने के लिए होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इन्होंने क्या दिखाया है, ये आपका एक रिवीजन टाइप है। ये आपको अपने बुक को सारा पढ़ने के बाद आप आएंगे इस पे, इसको एक्सेस करेंगे तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। बहुत सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं केमिस्ट्री के, यहाँ पे सॉल्ट रिएक्शन है बहुत सारे, मेटल नॉन मेटल का फ्लो चार्ट भी आपके सामने है। तो इस तरीके का आप सारा का सारा चीज़ ऑसवल के बुक में, ऑसवल वेबसाइट पे आप फ्री कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। तो यार ये तो हो गया फ्री कंटेंट एक्सेस करने का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियो इन्होंने डाल रखा है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है। जैसे आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी टर्म में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस टर्म के क्वालिटी कंटेंट जो है वीडियो लेक्चर में आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे। जैसे आप क्लास टेंथ में, आप क्लास टेंथ में जाएंगे यहाँ पे, मान लो आपने पढ़ना है साइंस, साइंस आपने खोल लिया, साइंस ओपन करने के बाद चैप्टर्स के नाम आपके सामने आ गए। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मान लो आपको मेटल नॉन मेटल में प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको पढ़ना है, तो नॉन मेटल मेटल आपने ओपन करा, ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे लेक्चर्स इसके आ गए, ये चैप्टर्स का लेक्चर। ये आप देखो, उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो जिस टाइम पे, जो घर जिसके पास टीचर अवेलेबल ना हो पढ़ाने के लिए, जिनके ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहे हो, वो इससे पढ़ करके 100 में 100 मार्क्स कर पाएंगे, आई गारंटी यू। क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं भाई। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन लिया है ना, इंट्रोडक्शन आपने ओपन करा, तो एक मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का क्वालिटी कंटेंट होता है इनके पास। ये इंट्रोडक्शन देंगे अभी, देखो ये 2 मिनट 54 सेकंड का इंट्रोडक्शन है नॉन मेटल का, ओके। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का देखो, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ एनिमेशन, आप सुन सकते हो इसको। What about the phone or the laptop you're viewing this video on? You must have all heard the terms metals and non-metals. As a matter of fact, can you look around and see if they exist in your surroundings? तो यार इस तरीके से आप What इसको is your फॉलो table कर made पाएंगे up और इसको एक्सेस कर Aluminium पाएंगे। तो ये तो वीडियो लेक्चर्स आप चाहें तो बहुत सारी चीज मैथमेटिक्स What के भी about the हैं, साइंस phone के or the भी हैं, laptop you're viewing this video on? सारा वीडियो लेक्चर आपको Is it यहाँ पे made up मिल of जाएगा metals and और ये non-metals? पीडीएफ मैंने दिखाई दिया As a आपको। matter of fact, it is. तो गाइज ये Almost था कंप्लीट everything around प्रोसीजर, will आप be फॉलो made up of करेंगे either a इसको, उसके metal बाद or a आप non-metal. कर पाएंगे फॉलो But इसको, how do you उसके बाद differentiate between the two? Is फ्री it ऑफ as कॉस्ट ये आपको easy as करना the है, इसमें difference आपको between the पैसा two पे नहीं करना colors, है। black and white? Well, तो गाइज ठीक है, इसको प्रोसीजर आप फॉलो करके हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने दिया है उस पर आप जाएंगे, उसमें आप समझ पाएंगे आप किस तरीके से आपका रूटीन होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।